नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। संगम लाल गुप्ता के लिए विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी लगाया गया। भारी भरकम टेंट में जगह कम पड़ गई। जितने टेंट में रहे उतने ही बाहर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को सुना। रामपुर खास विधानसभा के नया पुरवा लालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या करने जा रहा है, ये कह रहा है कि सत्ता में आएंगे तो एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना, आपके बाप दादों की जितनी जमीन होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, पैसा होगा, जेवर होंगे, इसमें से आधा ये लोग ले लेंगे। क्या छोड़ देंगे क्या? ये औरंगजेब का जजिया कर है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। और औरंगजेब कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था, अपने भाई की हत्या कर दी थी। और ये औरंगजेब की आत्मा जजिया कर लगाने के लिए इनके अंदर घुस गई है। देश का पता नहीं क्या अनर्थ कर डाले के लिए, क्या आप जजिया कर लगाने देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का? क्या ये छूट देंगे क्या? पैसा आपके बाप दादों की कमाई, उनकी खून पसीना उनका, और उसमें जबरदस्ती डकैती डालने की छूट इनको दी जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हमारे नागरिकों का अधिकार, उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए, इनका हक आप जबरदस्ती मुसलमानों को नहीं बांध सकते हो, किसी और को नहीं बांध सकते हो। और दूसरा बहनों और भाइयों, इनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास हो रहा है। ये सेंध किस रूप में लगाने जा रहे हैं? कांग्रेस की कर्नाटक की राज्य सरकार भी पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में एक हिसाब के बदले